So hello everyone, welcome to our channel Gaurang's Astro Home. So today we will be discussing about this Astro Grand prediction of Nifty and Bank Nifty for 23rd of March. So guys, आज 22nd of March, मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग के बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ के योग काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहे हैं। और आज आपने देखा भी होगा कि मार्केट ने एक दो तरफा मूवमेंट दिया, तो मॉर्निंग में एक डिसेंट डिप के बाद एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आई मार्केट में और मार्केट्स पॉजिटिव में क्लोज हुए। तो गाइज लेट स्टार्ट। सो दिस इज द डिस्क्लेमर, रीडिंग ऑफ द डिस्क्लेमर इज मैंडेटरी। आपके सामने जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में, दैट इज प्योरली माई एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। आई डू नॉट एडवाइज एनी बडी टू ट्रेड ऑन दी सेम। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो शुरू करते हैं। तो गाइज दिस इज द कंटेंट ऑफ द एडवांस्ड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स। द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग ऑन 3rd of April। इफ यू विश टू एनरोल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर व्हाट्सएप ऑन द नंबर गिवन बिलो। तो कल की बात कर लेते हैं, कल के लिए हमको क्या लग रहा है। तो ओवरऑल क्लोजिंग निफ्टी की हमको पॉजिटिव लग रही है, बैंक निफ्टी की भी कल क्लोजिंग हमको पॉजिटिव लग रही है। दिन में वोलेटिलिटी रहेगी, इनफैक्ट पूरे मार्च में ही आपने देखा होगा कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही, कल भी वोलेटिलिटी रहेगी। इम्पॉर्टेंट पिवोटल टाइमिंग अगर हम बात करें तो 12:15 से लेकर के 1:15 बजे तक वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव मूव इन द मार्केट। अब ज्ञान के हिसाब से भी कुछ इनपुट्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है निफ्टी के लिए, जहाँ पे हमको लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर की तरफ को, तो 17,269 लुक्स टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, और 17,423 एंड 17,542 ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दिस कैलकुलेशन इज एज पर गेन। बैंक निफ्टी में अगर हम कहें तो 36,120 और 36,308 ये दो लेवल्स हैं जो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे, और 36,915 ये एक ऐसा लेवल है जहां पे हमको लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी इन डेज टू कम। अब ये जो लेवल्स हैं, दीज लेवल्स आर फॉर द एंटायर वीक। मैं ये कहीं कभी नहीं कह रहा कि कल ही ये चीज़ देखने को मिलेगी। इम्पॉर्टेंट टाइमिंग अगर हम देखें तो 9:15 से लेकर के 9:30 बजे के बीच में, तो ये सुबह मॉर्निंग की 15 मिनट की कैंडल बनेगी ज्ञान के हिसाब से, उसका हम हाई और लो मार्क करेंगे। और मार्केट अगर हाई तोड़ेगा तो आर फर्स्ट टारगेट वुड बी 50% ऑफ द डिफरेंस, और अगर और सेकंड टारगेट वुड बी द एंटायर डिफरेंस। तो हमें इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए निफ्टी पहले 15 मिनट में लेट से 50 पॉइंट चलता है, और फिर वो ऊपर की तरफ को अपना जो है हाई जो उसने फर्स्ट 15 मिनट्स में बनाया उसको तोड़ता है, और पहली कैंडल जो है 9:15 से 9:30 की 50 पॉइंट्स की है, तो जब वो ऊपर की तरफ को तोड़ेगा निफ्टी का फ्यूचर, तो हमारा पहला टारगेट होगा 25 पॉइंट्स, सेकंड टारगेट होगा 50 पॉइंट्स। हम उसको आगे भी ट्रेल कर सकते हैं, बट द टारगेट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 25। सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम अस फॉर टुडे। आई वॉज नॉट वेल, सो मैंने ये प्रेजेंटेशन पे रिकॉर्ड किया है, आज बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाया। सो गाइज थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।